नाम पर ये सुमार हुई थी और नॉकआउट की दुनिया में उन्होंने काफी परचम और सुर्खियां बटोरी हुई है। तमाम नॉकआउट के सुरंदर एक दूसरे के खिलाफ आमने और सामने और वे की स्थिति भी आ चुकी है और वे का राज रखा हुआ फिलहाल को अभी एक साल के बीच में सफल हुए जरूर लेकिन राइट कॉर्नर के डिफेंसिव हाफ किसी तरह उनके पोजीशन को अपने पास रखने में सफल बिल्कुल और ये टीम ही जिसका कलम कुटाई की श्रेणी से भली भांति वाकिफ है तो जीत कई दफे ये राजा कोटी फलाजी इस प्रतिस्पर्धा के बेतौर वेना की बनी और इस चीज से पूरी तरह से बाकी गेम को जिस गति के साथ आगे की ओर बढ़ाने को चरम में सेंटर पुलवे के डिफेंसिव था जिस पॉजिस की अलग से थ्रोई हुई अनूज स्पोटी मैच के चौथे पलों पर सजी थे और इस आक्रमण पर भरोसा जताई है अनूज स्पोटिंग की टीम मुकाबला करा है जैसे बदर साहब लाल बोझ सफल नहीं हो पाए और बात करें दुनिया को और अगर हम लोग के बताते हैं और अच्छा खिलाड़ी का भी इसका मंदिर हुआ है अजीत क्योंकि टीम ने मेहमान मांगे को छोड़ दिया गए मौका बन सकता है इस बार मेहमान मांगे धोखे के साथ सुंदरता वाले दीवार पापों से लिख कोशिश गोल छोड़े हैं गोपी सोच चाहिए ओ क्या ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर रोल के दृष्टिकोण से देखे तो यहाँ एक गोल के लिए एक मोमेंटम की जरूरत पड़ती है सुजीत और एक मोमेंटम के लिए सही पास की और एक सही पास के लिए दो खिलाड़ियों के बीच सही साझेदारी इन्होंने दिखा दिया है क्या साझेदारी बिल्कुल गोपी ही खुद भी कर सकते थे गोपी ही खुद भी कर सकते थे सोचे कि सुनील आगे है तो क्यों ना गेंद को छोड़ा हुआ अब अभी अनुज स्पोटी के पहला गोल आता हुआ और क्या हमारे टीम कमजोर कट आई सुनील सरदार की बेहतरीन अपने चेहरे राइट फुट रखी टाई और सीधे गोल जाल पर सिंकू ब्रदर्स हटगवरे की टीम फिलहाल एक शून्य से जीते और क्या जबरदस्त बिल्कुल गोल कॉपी के पैरों पर आता हुआ क्या बेहतरीन क्वालिटी का फिर से एक बार मौका बन सकता है गोपी को सौंपा गया फिर से फर्श पर गाड़ी में इंद्रोद अरुणाचल करवा रहे की पास रहने की कोशिश लेकिन इस क्रम में कहीं ना कहीं बॉल पोजीशन को खोता हुआ और फिलहाल काफी देरी के पश्चात बॉल पोजीशन को वापस अपने कदमों से लेकर आई है टीम लंबी दूरी पर लग रही है गेंद को लेकिन काफी आगे आकर के वहां लटक कॉर्नर की डिफेंसिव था और काफी सुंदर तालमेल और गेंद को फिलहाल अपने पास रखी हुई है अनुपिंग की टीम बेहतरीन फुटबॉल क्वालिटी इस फुटबॉल में नजर आ रहा है सुजीत
और जिसका कलर गुसाई के स्टेडियम में उन्होंने कई चंपे अपने नाम जो है किताब को रखा हुआ है। और कोई कहते हैं किताब को जिता भी गया है। अब मैंने इस वाले को जब कमेंट्री के रिसेप्शन में एक कमेंट बटन कर तो जब वो आते हैं तो बहुत सारे दर्शक पेड़ पौधे प्रति हरी भर और गाँव में भी हो जाते हैं। ये मैंने देखा है तमाम साथी आप लोग समझ पेड़ तमाम दर्शक देख रहे हैं। फिलहाल हटे मरिया की टीम सिंह कुमार दर्शक सुनिए ये शिष्य जरूर है लेकिन उनके वो काबिलियत है सेवा ट्रॉफी के लिए ट्रॉफी की गति बेहतरीन गति के साथ विकल्प की तलाश पर पुलिस ने होल्ड ऑन किए आखिरकार लेकिन इस बार हाथ की आंखों में कुछ रोकने के लिए जो कोशिश करी जा रही थी कहीं ना कहीं वहां खबा खा गई। अच्छी तालमेल पनप रही थी वहां लेकिन एक वरिष्ठ खिलाड़ी रस्सी नंबर 3 पर राइफल क्या ही सुंदर नाम है इनका राइफल रस्सी नंबर 3 जो हटनमरे के ओर से राइफल कॉर्नर के डिफेंसिव पार्क के उस पोजिशन पर अनुभव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लाभ और हानि ताजू में जब चला जाए तो फिलहाल अनूज कोचिंग की टीम इस तराजू पर पुलिस की इनकी जो पलड़ा है ये भारी नजर आती है और एक शून्य की गजब की मत बनाई हुई है। फिलहाल ट्रॉफी अच्छी कंट्रोल निवासी से सेवाएं होने की कोशिश कराई गया था लेकिन एक बिग फील्डर एक अच्छे बिग फील्डर के तौर पर सोंगा और अमूमन नॉकआउट के प्रयोग की कई सारी बिजनेस है। सोंगा एक बिग फील्डर के अहम रोल को निभा करता है और सही मायने में अगर कहें सुजीत तो विग विलियम्स की दायित्व होती है एक अटैकर्स को संभालना इस स्वयं एक एटैक कर रहा है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पोजिशन पर फिलहाल सोंगा अपनी पूरी ड्यूटी को अंजाम देते हुए बिल्कुल और यहाँ से कोशिश से सभी को किसी ना हो और दूसरा फौज है कि मोहित बात करें अनुज फौज है फिलहाल विदेश का मौजूद दर्शकों को दिल को सुनते हुए यहाँ सुजीत
और अलग चल रहा होगा क्या यहाँ बंदे दिखाएगी लाल पर निरंतर संघर्ष जो है सारी एक गोल जी हाँ अगर थोड़ी सी होती तो बहादुर के लिए चले होता लेकिन पुलिस इस वक्त माइनस पॉइंट की ओर जा रही है। टीम की बात करें सिंकु ब्रदर्स आप अगर जाते पड़ते हैं तो इस वक्त माइनस है जिस तरह यहाँ तालमेल देखी गई थी किसी से मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं रोका आपको क्षमा चाहूंगा लेकिन कितनी सुंदर एक कॉम्बिनेशन है ये अक्सर नकआउट की नेशन में खासा कम देखने को मिलते हैं जिस रिपोर्ट में अपने कई मैच देखा जिसकी चांसेस कम थे लेकिन इस मैच में क्या तालमेल है बेहतरीन तालमेल और टीम के लिए सोचे अगर थोड़ी सी बाहर निकल कर आगे की ओर खेले तो कहीं बेहतर हो क्योंकि दो पीछे चल रहे हैं फिर भी डिफेंसिव लाइन में इतनी भरोसा फिलहाल अटैक करने की संभावित अवसर को समाप्ति हुई हट जमाया लंबी पास अच्छी चेस्ट डाउन लेकिन मुझे लगता है ये जो है हाथों से जा टकराई नतीजा एक सकते आज को करेंगे आप
यहाँ मौका बन सकती थी, काफी दूरी चली गई थी कि अलग से बाइक को सेकंड की तैयारी एक खिलाड़ी को लीड करने को सफल और दो खिलाड़ी के बीच एक छोटी सी मिली वेटर हुई और उस मिली वेटर में बनने के लिए अनोज स्पोर्टिंग की टीम गेंद को जीतने में सफल हुई। फिलहाल फिर से एक बार अनोज स्पोर्टिंग यानी श्री रामराज स्पोर्टिंग अच्छी पास लेफ्ट विंगर के लिए जहां मौजूद है सर एक बेटोर अटकस्ट गोपी सिवा अच्छी चाल रही सुभाष से लेकर अभी तक ये जो लाजवाब तालमेल की गोपी या फिर से उसी को लेकिन इस बार नहीं फिर करते हैं मजा आता है पूरी तरह से अंदर एक यहाँ जाता है खेला है आते आते दिखे क्या होता है मेरे ख्याल से स्कोर जो वक्त की नजाकत हमें क्या कहती है क्या कुछ अंजाम लाकर देती है ये वक्त हमें निर्धारित करेगी। फिलहाल तो एक गोल क्या आगे लेकिन सामने जो है बहादुर कितनी आसानी से बीच होने वालों में से तो है नहीं क्या बहादुर जो इसलिए बीच कर रहे बिल्कुल जितनी आसानी से गेंद को अपने पास रख रहे हैं उतनी आसानी से गेंद को गवा भी रहे हैं ये बहुत कुछ ज्यादा माइनस पॉइंट फिर से क्या ही खूबसूरत बेहद से बिल्कुल गोपी जी समय किया गया था और मैच समाप्ति